हे गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कोटेक्स प्लेटफॉर्म में। एंड यहाँ पे मैं टोटली 5 शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंडिंग ट्रेड लूंगा। एंड जो भी ट्रेड लूंगा मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। मैं 1 MTG यूज करूंगा और अगर लॉस हो जाएगा तो मैं ट्रेडिंग यहाँ पे क्लोज कर दूंगा आज के लिए, ठीक है। और गाइज, जिनको भी वीडियो पसंद आती है वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जिनको भी सीखना है तो आप आकर के मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कोर्स परचेज करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, मुझे कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। जहाँ से मैं एक बाई की ट्रेड ले रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर ये लॉस होती है तो मैं 1 MTG यूज करूंगा। बट ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, मैं नॉर्मल से आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मार्केट एक ओवरऑल डाउनफॉल में था। डाउनफॉल के बाद यहाँ पर एक रेड ग्रीन का पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ये देखो, मार्केट में यहाँ पर ओवरऑल एक रेड ग्रीन का क्या हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। रेड ग्रीन बना हुआ था। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया, बिकॉज यहाँ पे रेड आना था। रेड ग्रीन के बाद यहाँ पर क्या होना, रेड आना था। इस कैंडल ने इसके पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मैं क्लैरिफाई हो गया कि अब रेड ग्रीन खत्म हो चुका है। विनर्स किस साइड से ब्रेकआउट हुआ है, तो बुलिश साइड, मतलब बुल्स ने ब्रेकआउट करा है, ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा है, तो हमें बायर्स के साथ जाना है। अगर रेड ने ब्रेकआउट करा रहा था तो हमें सेलर्स के साथ जाना होता है। सपोजली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझा दूँ, अगर मान लेते कोई घर है, ठीक है, घर में दो रास्ते हैं। एक इधर साइड से निकलने का रास्ता है, कहाँ गया, देखो घर में दो रास्ते, इधर साइड से निकलने का रास्ता है, ठीक है, कि इधर से भैया निकल जाओ, और इधर साइड से निकलने का रास्ता है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है कि मान लेते हैं 1 2 3, ये क्या है, सेलर्स है, क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या है, उसके बाद सेलर्स के बाद क्या है, 4 5 6 क्या बायर्स हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, दोनों में तगड़ी फाइट हो रही है। क्या हो रही है, दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट, इसमें भी इसका फाइट, सॉरी, दोनों तीनों में आपस में क्या हो रहा है, बहुत ही तगड़ी फाइटिंग हो रही है। इसका फाइट इससे हो रहा है, इसका फाइट इससे हो रहा है, इसका फाइट इससे हो रहा है। फाइट होने के बाद सबको देखो, अगर सेलर विन ये क्या करना चाहता है, इधर से भागना चाहता है और ये इधर से भागना चाहता है, ठीक है। तो अगर सेलर्स जीतेंगे तो वो इस दरवाजे से बाहर आएंगे, और बायर्स जीतेंगे तो वो इस दरवाजे से बाहर आएंगे, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पर जो दरवाजा था वो बायर्स ने ब्रेकआउट करा। यहाँ पर जो लेवल था रेड ग्रीन का, उसका ब्रेकआउट किसने करा, उसका ब्रेकआउट करा बायर्स ने। तो हमने हम अगर बायर्स विन किया तो सारे लोग बायर के साथ ही जाएंगे ना। अगर बायर जीता है तो जितने लोग हैं सब बायर के साथ जाएंगे। तो बायर अगर एक बार इस घर से बाहर निकले तो हम समझ गए कि हाँ भाई, अंदर में बायर की जीत हुई है, चलो बायर के साथ। यहाँ पे बायर की जीत हुई थी, तो अगले कैंडल पर हमने बायर के साथ गए और हमारा इजली विन हो गया, ठीक है। तो गाइज, इस तरह से आप भी ट्रेडिंग सीख सकते हो। और आपको मेरे से ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे भी मिल जाएगा। फिलहाल कुछ अभी थोड़ा बहुत ऑफर भी चल रखे हैं, तो आकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी करूंगा, एंड जो भी दिक्कतें होंगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में उसमें आपको हेल्प भी करूंगा, ठीक है। और चलो गाइज, देख लेते हैं क्या है। एंड यहाँ पे गाइज हमारा पहला ट्रेड विन हो चुका है। हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं, एंड कहीं भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड प्लेस आउट करूंगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तब तक आप वेट कर लो, ओके। देखते गाइस कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो वेट करूंगा। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज कम श्योर शॉट निकालने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं निकल जाता, ठीक है। तो गाइस इस कैंडल पे मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये एक श्योर शॉट ट्रेड हो सकती है, और अगर लॉस लगेगा तो मैं 1 MTG यूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पर एक इनसाइड बार का एक थ्योरी चलता है, मैं उसको देख करके ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। ये इनसाइड बार वो इनसाइड बार नहीं है जो मैं आपको वीडियोज में सिखाया हूँ, ये अलग इनसाइड बार है। इनसाइड बार मीन्स वॉट, की इनसाइड में बना है, ठीक है। ये क्या है, एक रेड कैंडल है, इसके इनसाइड में ग्रीन बना है, तो किसके इनसाइड में बना है, तो रेड के इनसाइड में बना है, तो अगला कैंडल क्या बनेगा, रेड का बनेगा। ये एक थ्योरी रन होती है, उसी को देख करके मैंने ट्रेड लिया था, और ये हमारा रिफंड हो गया यहाँ पे, बिकॉज रेड ही बनी है बट हमारी एंट्री के चक्कर में रिफंड हो गया। बट कोई नहीं, देखते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं फिर से सेल के लिए, और इनसाइड बार थ्योरी को ही लेकर करके मैंने यहाँ पे सेल करा है, ठीक है। सेलिंग का वही, अब लॉस हो या प्रॉफिट हो तो अलग चीज़ है, बट हम पे जो नॉलेज हम उसी को यूज करके ट्रेड करेंगे ना, लॉसेस तो होते रहते हैं। देखो
यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी उसके इनसाइड में एक, सॉरी यहाँ पे एक रेड कैंडल थी उसके इनसाइड में ग्रीन कैंडल बनी है। तो जो ग्रीन बनी है वो किसके इनसाइड में बनी है, तो वो बनी है रेड के इनसाइड में। तो अगला कैंडल हम रेड के लिए जाएंगे और ट्रेंड भी डाउन है, तो हमें दो कन्फर्मेशन थे इसीलिए मैंने सेल करा था। ठीक है, तो ये विन हो ही जाएगा, 1748 रुपये का हमें रिटर्न आएंगे। और लॉस होगा तो देखेंगे क्या होता है, बिकॉज लॉसेस तो बहुत ही नॉर्मल है, वो तो होते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे हमारे ये विन हो चुका है, क्लियर है गाइज। तो हमारे यहाँ पे गाइज दो स्टेप सक्सेसफुल हो गए, हम तीसरे स्टेप पर हैं और देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। श्योर शॉर्ट निकालने में गाइज थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। और गाइज मैं पहले बता देता हूँ, मार्केट में बहुत सारे टूल हैं सक्सेसफुल होने को, तो सब पे दिमाग मत लगाओ, किसी एक टूल को पकड़ो जिस पर आपका अच्छा खासा एक्यूरेसी हो, उसको मास्टर करो, उससे अच्छा खासा पैसा बनाओ और धीरे धीरे सीखते रहो। ठीक है, क्योंकि जब जेब में पैसा रहेगा तो दिमाग अपने आप ही काम करेगा। ओके, सो जस्ट सीखते रहो, देखते गाइस कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। गाइस हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा शक है, लेकिन चलो देख लेते। अगला ट्रेड हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, मैंने देख लिया है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि मुझे शक क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें बाइंग रिजेक्शन भी आ रहा है। देखते हैं कहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है। चलो गाइस मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया है, और अगर ये लॉस होगा तो हम डबल अमाउंट से फिर सेल करेंगे। ठीक है, और आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों लगाया मैं आपको समझाता हूँ। मैंने मिलियनर स्ट्रैटेजी यूज करी है यहाँ पे, देखो अब लॉस होगा तो देखेंगे। देखो मैंने क्या देखा कि जब भी यहाँ पे एक बायर इसको टच करा, यहाँ से मैंने काउंट करना स्टार्ट करा, एक बायर जब भी इस सेलर के लेवल को टच कर रहा है तो यहाँ पे दो सेलर आ रहे हैं। ठीक है, फिर जब दोबारा इस बायर, मतलब मैंने लाइन थोड़ा सा, अगर मैं इसका जोन क्रिएट कर दूँ, मैंने जोन नहीं क्रिएट करा, देखो ये बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, जोन नहीं रहेगा तो आप फिर कहोगे भैया जोन तो आपने बताया नहीं। ठीक है, एक जोन मैंने ड्रॉ किया। जोन में क्या हो रहा है कि जब भी कोई बायर सेलर के लेवल, मतलब सेलर के लेवल को टच कर रहा है तो दो सेलर आ रहा है, जब भी कोई बायर सेलर के लेवल को टच कर रहा है तो दो सेलर आ रहा है, तो फिर जब कोई बायर सेलर के लेवल को टच करेगा तो दो सेलर आएंगे। तो एक सेलर आ चुके थे, तो अगले सेलर पे मैंने ट्रेड लिया है, एंड हमारा ये थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग चल रहा है, एंड ये भी हमारा शॉर्ट शॉर्ट विन होने को है। तो 3268 रुपये का हमारा रिटर्न मिलेगा, 3268 का। ठीक है, तो हमने ट्रेड यहाँ पे वो कर दिया है, अमाउंट डाल दिया, बिकॉज ये हमारा विन हो चुका है। ठीक है, दो स्टेप और कंपाउंड करने, देखते हैं कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। गाइस आप इसी तरीके से आप भी ट्रेडिंग सीख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा सही जगह से सही नॉलेज लेनी है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग्स हैं, बट फिर भी आप पैसा क्यों नहीं बना पा रहे, बिकॉज पैसा बनाना एक अलग चीज़ है और ट्रेड करना एक अलग चीज़, मतलब पैसा बनाना एक अलग चीज़ है और नॉलेज गेन करना अलग चीज़ है। एक टीचर पढ़ाता है और एक स्टूडेंट पढ़ाता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है, बिकॉज स्टूडेंट जानता है कि किस चीज़ से वो चीज़ हो जाएंगी, टीचर बस नॉलेज देना जानता है। ठीक है, बट मैं वो हूँ जो आपको सब कुछ सिखा सकता हूँ। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। यहाँ पे मे बी हमें एक क्या मिल सकती है, और ये ग्रीन कैंडल इसके वीक के ऊपर क्लोज देगा तो मैं बाई करूंगा, नीचे क्लोज देगा तो मैं सेल करूंगा। उसने ब्रेकआउट कर रहा है ये, और देखते हैं नीचे क्लोज दे रहा है, ऊपर क्लोज दे रहा है, तो ये ऊपर ही क्लोज दिया, तो यहाँ से गाइज मैं बाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे बाई की ट्रेड मैंने लगा दी है। आखिर मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड क्यों लगाया है और क्यों, ये एक विनिंग ट्रेड होनी चाहिए, और अगर लॉस हो जाती है तो मार्टिंगल से हम विन कर लेंगे, बिकॉज मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक ग्रीन कैंडल क्यों बनेगी, सिंपल सा थ्योरी समझो, मार्केट की लॉजिक देख करके मैंने ट्रेड करा था। देखो लॉजिक क्या था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ सेलर्स आए, सेलर का टॉप विक कहाँ है, ये है, उसका ब्रेकआउट दिया इस ग्रीन कैंडल ने, अगली कैंडल क्या बनी, ग्रीन बनी है। उसके बाद मार्केट यहाँ भी अप ट्रेंड में था, कुछ सेलर्स आए थे, कुछ सेलर्स आने के बाद इस ग्रीन कैंडल ने इसके वीक का ब्रेकआउट दिया था माइनर सा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बाय किया था। बट मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आती है और किसी भी रेड के की लेवल से रिजेक्शन खाती है, तो अगले कैंडल पे मैं डबल अमाउंट से क्या करूंगा, बाई करूंगा, क्या करूंगा, बाई करूंगा। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। बट मैंने बस एक ही गलती करी कि मैंने बैक ऑफ द लेवल एक भी देखा नहीं, विदाउट प्रेफरेंस के मैंने ट्रेड लगा दिया था, तो ये मेरी गलती है। बट अब मैंने देख लिया अगली कैंडल के लिए, मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो क्या जहाँ मैंने डबल अमाउंट से ट्रेड प्लेस आउट कर दिया, ये ट्रेड अब श्योर शॉर्ट एक ग्रीन कलर की ही बनेगी, एज एट एनी कॉस्ट, ये लॉस होना लिटरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, बिकॉज जब भी मैं श्योर शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ तो काफ़ी टाइम दे करके लेता हूँ। लेट्स सी क्या होता है, देख लेते हैं, बिकॉज मार्केट में एक ओवरऑल क्या है ना, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। ठीक है, देखो
बस बोलते बोलते काफ़ी थक गया हूँ, बट कोई नहीं। देखो यहाँ पर एक हेड एंड ये शोल्डर है, ये हेड है ठीक है। उसके बाद चाहे इसको शोल्डर प्रीफर करो या नीचे वाले को ठीक है ना। उसका जिसका माइनर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तो रिट्रेसमेंट वगैरह चल रही है, बट यहाँ से ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है। एक ग्रीन ही बननी चाहिए एज पर माई स्ट्रैटेजी, बाकी देखते हैं क्या होता है यार। अभी तक तो सेलर में अभी ग्रीन बनने का ट्राई कर रहा है, बट मुझे लगता है ग्रीन ही बनेगी बिकॉज नॉलेज है तो सब है भाई। चलो गाइज हमारा ये भी विन हो चुका है, बहुत अच्छी बात। एक लास्ट कंपाउंड बचा है जो है 6045 का, 6045। एक गाइज हम लास्ट कंपाउंड करेंगे एंड फिर अपनी ट्रेडिंग सेशन स्टॉप करेंगे। ओके चलो गाइज यहाँ से मैं एक बाई की ट्रेड ले रहा हूँ, बिकॉज ये एक शॉर्ट शॉर्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और अगर लॉस होगा तो मार्टिंगल है ही ठीक है। बिकॉज मैं 1 MTG के ऊपर नहीं ट्रेड करता हूँ, और कभी कभी ही करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ भाई करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कब आपको डिसिप्लिन फॉलो करना, कब ब्रेक करना, आपको यह बात अच्छी सी पती होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ें एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए आपके लिए नहीं है ठीक है। देखो मैंने क्यों ट्रेड आउट करा है, देखो एक इनसाइड बार का पैटर्न बना है, लेकिन ये वो इनसाइड बार नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाई है, एक अलग इनसाइड बार है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर एक रेड है, रेड जो बना है वो ग्रीन के इनसाइड में बना है और उसका ब्रेकआउट हुआ है इस ग्रीन कैंडल से, तो अगला कैंडल इसीलिए मैंने बाई करा था। और बाई क्यों करा था, यहाँ सेलर भी तो आ सकते थे ब्रेकआउट के बाद ना, मैंने बाई क्यों करा बिकॉज कैंडल का जो ओवरऑल यहाँ पे जो टारगेट है ना वहाँ पे अभी भी गैप था। यहाँ देखो यहाँ पे अभी भी गैप था, तो गैप को लेकर के मैंने एक बाई का ट्रेड करा था एंड हमारा ट्रेड गाइज यहाँ पर विन हो चुका है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग तो भैया सीखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो आपको सीखना ही पड़ेगा ठीक है। तो जा करके आप क्या करो, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे से कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पर मिल जाएगा। तो जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो और बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अब जिनको सीखना है, जिनको फ्री में सीखना हो यूट्यूब से सीख लो, जिनको पेड सीखना है पर्सनली सीखना है तो आप आ करके मेरे से टेलीग्राम पे सीख सकते हो ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक बड़े एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल। और देख लेते हैं कितना हमारा पे यहाँ पे क्या विनिंग रहा है क्या नहीं रहा है ठीक है। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से स्टार्ट करा था, आई थिंक मेरा यहाँ पे क्या हुआ था, यस मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, कहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद मेरा ये विन हुआ था, ये विन हुआ था, अच्छा मैंने ये स्टार्ट करके मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट किया, नहीं एक रिफंड हो गया था मेरा, उसके बाद मैंने दोबारा ट्रेड लिया था, मेरा ये विन हुआ, उसके बाद मेरा ये विन हुआ, एक लॉस लगा था तो आप ही के सामने मैंने 1 MTG यूज करा था वो विन हुआ, और सर मेरा अभी का ट्रेड विन हो गया ठीक है। तो चलो गाइज आई विश आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय ऑल एंड लव यू ऑल। ओके।